बलिया जिले के तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के रहने वाले नवीन राय अपनी समस्या लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे। समस्या को बताने का अंदाज कुछ अलग था। आज ऊंट पर सवार होकर अपनी समस्या को लेकर फरियादी बनकर वो डीएम कार्यालय पहुंचे। डीएम कार्यालय पर संबंधित अधिकारियों को पत्रक दिया। फरियादी नवीन राय ने बताया कि सिकंदरपुर सोनौली होते हुए गोरखपुर से नेपाल जाने वाली रोड के बहादुरपुर चट्टी पर अंधा मोड़ है, जिसकी शिकायत कई बार तहसील दिवस पर की जा चुकी है। प्रतिदिन कोई न कोई एक्सीडेंट वहां होता रहता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कलेक्टर साहब से भी आग्रह किया गया था कि रोड को बनवा दीजिए, जिससे कि मानव की सुरक्षा हो सके। तो वहीं पूर्व मंत्री नारद राय ने वहां चौमुखी विकास के लिए लाइट लगवा रखी थी, जो आज बंद हो चुकी है। वहां बहुत बड़ी सब्जी बाजार है, जहां पर रात भर चहल पहल रहती है और काफी मात्रा में लोग आते जाते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट का डर बना रहता है। जी, हमारा नाम नवीन कुमार राय पुष्पना राय है जी। क्या मामला अभी जिलाधिकारी कार्यालय पर आए हैं? जिलाधिकारी महोदय कार्यालय पर यही खती आई बनी। तहसील दिवस में आवेदन पत्र दिया गए रहे ठोकर बनाने के लिए सिकंदरपुर होते हुए सोनौली गोरखपुर होते हुए पड़ोसी देश नेपाल में जो रूट जाते हैं। नवीन कुमार राय पुष्पना राय सुना, अभी कहाँ आए हैं, क्या है मामला, देखा जा रहा है, किससे कैसे आए हैं आप? हम आए हैं, हमारी विधानसभा में भी मैंने ऊंट से ही नामांकन किया था। और लोग जो आते हैं तो मैं अधिकारी से मिल करके अपनी कभी हमारे पास दूसरा कोई साधन है नहीं, ऊंट ही हमारी सवारी है जी। तो अभी कैसे आए हैं? आए हैं जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए, उनको एक ज्ञापन देने के लिए, जो कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में। किस विषय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं जी? किस विषय में ज्ञापन देने के लिए आए हैं? रोड पर ठोकर बनाने के लिए, ताकि मानव सुरक्षा हो पाए। क्या क्या मुद्दे हैं आपके? जो रोड पर जो लाइट बना है, जो चौमुखी लाइट, या कचहरी कैंपस में जो रोड डिस्टर्ब है, तू क्या छोड़? अरे रुको, हम सारा पत्र कर रोड हमारे काट कर देने मर जाए, एटलीस्ट बस हम ले लेंगे। काहे चिल्लाता है, चिल्ला हमारा ओंडा भी सब बीत गया है। सब लोग देखो, हंस के गरीबी को देख के सब लोग मुश्किल आता है, सड़े वाला भीख से मांग रहा है, खाने को ना पी के सड़क रहा है होगा। बहुत ही हद लइका जो भाई से सी वाला में आ कही रहता है। हम लोग आज दो तीन महीने से दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, पर सब कुछ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? कोर्ट साहब कहे 15 दिन के बाद काम को हो जाएगा, काम कोई पता ही नहीं है। अच्छा हो और हम गलती है तो हमको दो चेतन मारी, हम गलत करते हम तो और 15 दिन पर हमारा है, आज 30 दिन मन रहा है। ग्राम सभा कौन सा है? ग्राम सभा पटकौली जिला बलिया। प्रधान का क्या नाम है? रामायण नाम है। जो मामला है वो बताओ, क्या पंद्रह नंबर आवास है? अच्छा, हमको नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है, नहीं मिला है। अब 25 नंबर 38 नंबर का बन रहा है, कैसे बन रहा है? प्रधान जी से बात किए थे? बात किए थे, क्या बोले? हम लोग दोनों में भी मिलकर 10,000 रुपये भी ले गए थे कि प्रधान जी घूस भी ले लेंगे, 10,000 रुपये ले लेंगे तो हम काम हमारा हो जाएगा। वो कहे कि विनोद बाबू टेंशन मत लो, तुम्हारा जब हो जाएगा काम तो हम पैसा लेंगे चाहे नहीं लेंगे। पैसा नहीं लिया अगला झूठ का है, बोले पैसा नहीं, 1 रुपये नहीं। हम 10,000 रुपये कर्ज लेके गए थे हम लोग देने के लिए, भाई दे देंगे हमारा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं लिए। लेकिन हमारा 15 नंबर तो हमारा उल्टा कैसे हो गया भाई? उनसे पूछे नहीं कि 15 नंबर वाले को नहीं बन रहा है और 45 नंबर वाले को कैसे बन गया? पूछे नहीं उनसे? पूछे सर, बोले गड़बड़ हो गया लखनऊ। आओ आ गया।